नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र यादव अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जी के भाई उपेंद्र यादव सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम। हरियाणा में जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं उनको किस किन किन उपनामों से जाना जाता है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। और पेपर में अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो ये क्लास आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आज के लिए। तो देखिए दोस्तों, आपने नाम सुना होगा हरियाणा केसरी, पेपर में आया भी है ये हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ये हैं पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। एक और पेपर में पूछा था पीछे हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है, तो ये मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। दोस्तों, पेपर में कई बार पूछा गया कि हरियाणा का राज्य कवि किन्हें कहा जाता है, हरियाणा का राज्य कवि, हरियाणा का राज्य कवि किसे कहा जाता है, तो ये है उदय भानु। हरियाणा का राज्य कवि किन्हें कहा जाता है, उदय भानु हंस को। और जब उदय भानु हंस का नाम आया तो हमें एक और नाम इनका याद आ गया कि इनको क्या कहा जाता है, रुबाई सम्राट भी किन्हें कहा जाता है, उदय भानु हंस को कहा जाता है। यानी कि पूछा जाए हरियाणा का राज्य कवि कौन है, तो उदय भानु हंस है। और पूछा जाए कि रुबाई सम्राट कौन है, तो भी कौन आएगा दोस्तों, आपका उदय भानु हंस आएगा। उसके बाद पूछा जाता है कि हरियाणा का तानसेन पूछे, हरियाणा का तानसेन किन्हें कहा जाता है, तो हरियाणा का तानसेन पंडित लक्ष्मी चंद को हरियाणा का तानसेन कहा जाता है, या हरियाणा का सूर्य कवि अगर पूछा जाए, हरियाणा का सूर्य कवि, तो भी किसको कहा जाता है, पंडित लक्ष्मी चंद को कहा जाता है, हरियाणा का तानसेन या हरियाणा का सूर्य कवि। पेपर में पीछे हाल ही में पूछा था दोस्तों हरियाणा का जॉन मिल्टन, हरियाणा का जॉन मिल्टन किन्हें कहा जाता है, रोहतक के हैं ये, हरियाणा के जॉन मिल्टन किसको कहा जाता है, दयाचंद मायना को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। दोस्तों, दयाचंद मायना को हरियाणा का क्या कहा जाता है, जॉन मिल्टन कहा जाता है। एक और पूछा जाता है पेपर में हरियाणा का सरस्वती पुत्र, हरियाणा का सरस्वती पुत्र किन्हें कहा जाता है, तो ये हैं दोस्तों राजेंद्र,
हरियाणा का सरस्वती पुत्र किन्हें कहा जाता है दोस्तों? राजेंद्र खरकिया को कहा जाता है। एक आता है हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। दोस्तों काफी इजी है, दो तीन बार अगर आप इसकी रीडिंग कर लेंगे, ले लेंगे तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा है, हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन है, हरियाणा का राज्य कवि उदय भानु हंस है, हरियाणा का रूपाई सम्राट भी उदय भानु हंस है, हरियाणा का तानसेन कौन है पंडित लक्ष्मी चंद है, हरियाणा का सूर्य कवि कौन है ये भी पंडित लक्ष्मी चंद है, हरियाणा का जॉन मिल्टन कौन है दीपचंद मायना है, हरियाणा का सरस्वती पुत्र कौन है राजेंद्र खरकिया है, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाना जाता है कपिल देव जाना जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम अगली बात पे चलते हैं। चलो हरियाणा का प्रथम सूफी संत किन्हें कहा जाता है? हरियाणा का प्रथम सूफी संत हरियाणा का प्रथम सूफी संत किन्हें कहा जाता है? तो ये हैं शेख मोहम्मद, शेख मोहम्मद तुर्क को हरियाणा का पहला सूफी संत कहा जाता है। शेख मोहम्मद तुर्क को कहा जाता है हादी ए हरियाणा, हादी ए हरियाणा, हादी ए हरियाणा किन्हें कहा जाता है? ये है शाह मोहम्मद, शाह मोहम्मद को क्या कहा जाता है? हादी ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। और अगले नाम से सब व्यक्तित्व है, हरियाणा का स्टील किंग, हरियाणा का स्टील किंग, हरियाणा का स्टील किंग किन्हें कहा जाता है दोस्तों? ये ओम प्रकाश जिंदल को कहा जाता है, हरियाणा का स्टील किंग कहा जाता है। अगर पूछा जाए हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग कवि, हरियाणा का प्रथम व्यंग हास्य कवि, हरियाणा का प्रथम व्यंग हास्य कवि कौन है, किन्हें कहा जाता है? मीर जाफर जटलानी, मीर जाफर जटलानी को कहा जाता है हरियाणा का प्रथम व्यंग हास्य कवि कहा जाता है। अगर पूछा जाता है कि हरियाणा का प्रमुख भक्ति संत कौन है, तो ये संत दादू दयाल है। हरियाणा का प्रथम भक्ति संत तो ये है संत दादू दयाल, संत दादू दयाल, यानी कि हरियाणा का प्रथम व्यंग हास्य कवि मीर जाफर जतलानी है। और पूछा जाए हरियाणा का प्रथम भक्ति संत कौन है, तो ये है संत दादू दयाल जी हैं। अब एक पूछा जाता है कई बार गोल्डन गर्ल का नाम आता है कि गोल्डन गर्ल किन्हें कहा जाता है? गोल्डन गर्ल के नाम से आपकी हॉकी प्लेयर है ममता खरब को गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। एक और आजकल आप देखते हैं हरियाणा का मसीहा के रूप में है काका या हेडमास्टर, किन्हें कहा जाता है? काका और हेडमास्टर किन्हें कहा जाता है दोस्तों? हाँ बिल्कुल सही जवाब मनोहर,
लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर को कहा जाता है काका या हेडमास्टर के नाम से जाना जाता है। एक आता है लेडी खली, लेडी खली हरियाणा की लेडी खली के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ये है कविता दलाल, कविता दलाल, लेडी खली के नाम से किन्हें जाना जाता है, कविता दलाल को जाना जाता है दोस्तों। अगला पूछता है करनाल एक्सप्रेस, करनाल एक्सप्रेस के नाम से किन्हें जाना जाता है, ये नवदीप सिंह है क्रिकेटर है, नवदीप सिंह क्रिकेटर है, इनको करनाल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, नवदीप सिंह क्रिकेटर को। अगर पूछा जाए जाटों का, ये पर आप स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लीजिए, आगे चलते हैं। अगर पूछा जाए जाटों का अफलातून, जाटों का अफलातून, जाटों का अफलातून किन्हें कहा जाता है, तो ये सूरजमल को कहा जाता है, सूरजमल को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, जाटों का अफलातून कहा जाता है। सवर सम्राट किन्हें कहा जाता है, सवर सम्राट किन्हें कहा जाता है, पंडित पंडित जसराज को सवर सम्राट के नाम से जाना जाता है, नवाब पटौदी, नवाब पटौदी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो मंसूर अली खां को, अली खां, मंसूर अली खां को नवाब पटौदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगर पूछा जाए अगला, इसमें कई बार बात करता है कि एक एक व्यक्ति के तीन तीन चार चार भी नाम आते हैं, तो पूछ सकता है पेपर में लोह पुरुष, विकास पुरुष, आधुनिक, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का शिल्पी, यानी कि लोह पुरुष की बात करें, विकास पुरुष की बात करें, आधुनिक हरियाणा के निर्माता की बात करें, या हरियाणा का शिल्पी की बात की जाए, तो इन सबको, ये सब नाम किसको कहे जाते हैं, चौधरी बंसीलाल को इन सब नामों से जाना जाता है, चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लोह पुरुष कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, और चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का शिल्पी भी कहा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं, उसके बाद पेपर में एक बार कई बार पूछता है कि सर, सर दीन बंधु या फिर जमींदारों का मसीहा, सर पूछा जाए, दीन बंधु पूछा जाए, या जमींदारों का मसीहा पूछा जाए, तो ये कहा जाता है चौधरी छोटू राम, चौधरी छोटू राम को सर की उपाधि दी गई है, दीन बंधु की उपाधि दी गई है,
और जमींदारों का मसीहा कहा जाता है। दोस्तों यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पूछा जाए जमींदारों का मसीहा किन्हें कहा जाता है तो चौधरी छोटूराम को कहा जाता है, और अगर पूछा जाए किसानों का मसीहा किन्हें कहा जाता है तो चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। अभी आगे हम बात करेंगे चौधरी देवीलाल की, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। आगे आपको पता है ताऊ, क्या ताऊ किन्हें कहा जाता है? ताऊ की बात की जाए या किंग मेकर की बात की जाए या किसानों का मसीहा कहा जाए या फिर जननायक कहा जाए या राजनीति के विषम पितामह, राजनीति के विषम पितामह या हरियाणा का शेर? ताऊ की बात की जाए, किंग मेकर की बात की जाए, किसानों के मसीहा कहा जाए, जननायक कहा जाए, हरियाणा का शेर कहा जाए, ये सब किसको कहा जाता है दोस्तों? चौधरी देवीलाल, इनको कहा जाता है चौधरी देवीलाल जी को कहा जाता है। ताऊ किंग मेकर, किसानों के मसीहा, जननायक, राजनीति के पितामह और हरियाणा का शेर चौधरी देवीलाल को जाना जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं चौधरी बजनलाल की, तो अगर बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाए, बिश्नोई समाज का सिरमौर या फिर राजनीति के चाणक्य, यहां हमने चाणक्य की बात की है, अगर विषम पितामह की बात की जाए, राजनीति के विषम पितामह, तो चौधरी देवीलाल, और अगर पूछा जाए राजनीति के चाणक्य तो राजनीति के चाणक्य या बिश्नोई समाज का सिरमौर, ये किनको कहा जाता है? चौधरी भजनलाल को कहा जाता है। किनको कहा जाता है दोस्तों? चौधरी भजनलाल को कहा जाता है। अगर कहा जाए हरियाणा का शेक्सपियर, अगर पूछा जाए पेपर में कि हरियाणा का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है या हरियाणा का कालिदास किन्हें कहा जाता है दोस्तों? हरियाणा का शेक्सपियर या हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का शेक्सपियर पूछा जाए या हरियाणा का कालिदास पूछा जाए, तो ये पंडित दीपचंद बहमन, दीपचंद बहमन को कहा जाता है हरियाणा का शेक्सपियर या हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। किसको? दीपचंद बहमन को। अगला तो उसको पूछा जाता है लाला मुरलीधर के बारे में, लाला मुरलीधर, अगर राय बहादुर की बात की जाए, केसर ए हिंद की बात की जाए, केसर ए हिंद, राय बहादुर या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब हरियाणा, केसर ए हिंद, राय बहादुर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, ये किनको कहा जाता है? लाला मुरलीधर, लाला मुरलीधर को कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आज की जो हमारी क्लास थी, ये हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम के बारे में हमारी क्लास थी दोस्तों। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे हम फिर एक और क्लास लेकर कल हाजिर होंगे आप सभी के बीच में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।